जनवरी 2020 भारत बनाएगा एक और इतिहास जब धरती से अंतरिक्ष की ओर बढ़ चलेगा वो सैटेलाइट जिसका लंबे वक्त से हो रहा है इंतजार। भारत के इस बाहुबली सैटेलाइट का नाम है GSAT-30। ये इसरो का अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट है जिसे लॉन्च करने की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसरो इस सैटेलाइट को भारत की धरती से नहीं बल्कि फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए यूरोपियन हैवी रॉकेट एरियन 5ECA का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि GSAT-30 का वजन है 3100 किलोग्राम। इसरो ने इस सैटेलाइट को यूरोप पहुंचा दिया है। इस सैटेलाइट की तस्वीर के साथ ये जानकारी खुद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ट्विटर पर दी है। अब सुनिए भारत के इस बाहुबली GSAT-30 की खूबियां। अंतरिक्ष में पहुंचकर ये हमारे इनसेट सैटेलाइट की जगह लेगा। ये लॉन्च होने के बाद 15 सालों तक पृथ्वी के ऊपर रहकर भारत के लिए काम करता रहेगा। इसे जियो इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। GSAT-30 GSAT सीरीज का बेहद ही ताकतवर उपग्रह है जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली और भी मजबूत हो जाएगी। मौजूदा वक्त में भी GSAT सीरीज के 14 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इस नए उपग्रह की मदद से भारत में संचार प्रणाली, टेलीविजन प्रसारण, सैटेलाइट के जरिए समाचार का प्रबंधन, जियो स्पेशल सुविधाओं, मौसम संबंधित जानकारियों और आपदा की पूर्व सूचना के अलावा खोजबीन व रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद ही आसान हो जाएगा। GSAT-30 में 2 सोलर पैनल और 1 बैटरी लगाई गई है जो इसे एनर्जी देने का काम करेंगे। इस सैटेलाइट के शुरू होने के बाद देश में इंटरनेट जगत में और भी क्रांति आ जाएगी। इस नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ ही देश के उन इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंच पाएगा जहां अभी भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो भारत का ये बाहुबली तैयार है अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए।